विधानसभा चुनाव के लिए दो राज्यों में यूपी और उत्तराखंड में मतदान शुरू। यूपी में दूसरे चरण के लिए 67 सीटों पर हो रही वोटिंग, तो उत्तराखंड में 69 सीटों पर वोटिंग। विधायकों के सामने भावुक हुई शशिकला, कहा मैं कभी कहीं भी रहूं हमेशा पार्टी के बारे में ही सोचूंगी। आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कल 4 साल की सुनाई थी सजा। पाकिस्तान की नापाक हरकत, बीएसएफ को मिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सांबर सेक्टर में एक सुरंग पाकिस्तान से भारत की ओर गई है खोदी, जांच में जुटी बीएसएफ। अंतरिक्ष में भारत का नया रिकॉर्ड, इसरो ने श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र से पीएसएलवी C-37 का किया प्रक्षेपण, एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च, भारत का बना दुनिया पहला देश। एयरो इंडिया 2017 एयर शो मंगलवार को बेंगलोर में हुआ शुभारंभ। भारत निर्मित एयरबोन अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम नेत्र वायुसेना में शामिल, नेत्र के विकास में महिला वैज्ञानिकों का योगदान। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनिशियल लाइव और मैं हूं आपके साथ शैल शुक्ला। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आज यूपी और उत्तराखंड में चुनाव है। यूपी में दूसरे चरण का चुनाव है जबकि उत्तराखंड में एक ही चरण में मतदान हो रहा है। दूसरे चरण में पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की 67 सीटों पर वोटिंग हो रही है। यूपी में सुबह 7 बजे से वोट पड़ने शुरू हो गए हैं। दूसरे चरण में भी मुस्लिम फैक्टर अहम है क्योंकि यहाँ करीब 36% मुस्लिम मतदाता है जो उम्मीदवारों की किस्मत तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। दूसरे चरण में कुल 720 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा 22 उम्मीदवार बिजनौर की भरापुर और सबसे कम 4 उम्मीदवार अमरोहा की धनरौरा सीट पर किस्मत आजमा रही हैं। वहीं उत्तराखंड की 69 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है, जिसमें 74 लाख से ज्यादा मतदाता चुनाव में खड़े 628 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद कर देंगे। कर्णप्रयाग की सीट पर 12 फरवरी को बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कुलदीप कानवांसी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने के कारण वहां स्थगित हो गए चुनाव के कारण प्रदेश की 70 में से 69 सीटों पर ही मतदान हो रहा है। आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शशिकला ने विधायकों के साथ बैठक की। इस दौरान शशिकला ने कहा कि उनके खिलाफ केस डीएमके ने फाइल किया था जिसे वो संभाल लेंगे। उन्होंने कहा कि आप लोग एकजुट रहना और तय करना होगा कि लोग डीएमके के अस्तित्व पर सवाल करें। शशिकला इस दौरान अपनी बात कहते हुए भावुक भी हो गई। उन्होंने कहा कि कोई भी ताकत उन्हें AIADMK से अलग नहीं कर सकती है। वो कहीं भी रहें वो हमेशा पार्टी के बारे में ही सोचेंगी। उन्होंने कहा कि विधायक उनका समर्थन दे रहे हैं, बहुत सारी कठिनाइयों के बावजूद वो संतुष्ट महसूस कर रही हैं। उन्हें भरोसा है अगर वो शांत रहें तो उन्हें जल्द से जल्द सरकार बनाने का न्योता मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट की ओर से दोषी ठहराई गई AIADMK महासचिव वीके शशिकला आज बेंगलोर में सिलेंडर कर सकती हैं। शशिकला को सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है और उन्हें तत्काल समर्पण करने को कहा है। वहीं शशिकला ने अपने संबंधियों दिनाकरन और वेंकटेश को फिर से पार्टी में शामिल किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने भतीजे दिनाकरन को पार्टी का उप महासचिव भी बनाया है। आपको बता दें कि इन दोनों को जयललिता ने वर्षों पहले पार्टी से निकाल दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में शशिकला व उनके दो रिश्तेदारों VN सुधाकरन और जे इलावर्सी को बरी करने के कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया था। तीनों को भ्रष्टाचार के जुर्म में 4-4 साल की कैद व 10-10 करोड़ रुपए जुर्माने की सजा भी दी गई है। फैसले के बाद दिवंगत नाद्रमुक प्रमुख जयललिता की भतीजी दीपा जयकुमार ने कहा कि वो तमिलनाडु के कार्यवाहक मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम के साथ ही काम करेंगी। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। दरअसल इसका एक सबूत मिला है। बीएसएफ ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सांबा सेक्टर में एक सुरंग खोजी है। ये सुरंग पाकिस्तान से भारत की ओर खोदी गई है। अंदेशा है कि आतंकी इस सुरंग के रास्ते घुसपैठ की फिराक में थे। बीएसएफ की ओर कहा गया है कि सुरंग को अभी तक पूरी तरह से नहीं खोदा गया है। बीएसएफ अभी सुरंग की जांच कर रही है। बीएसएफ मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है। आपको बता दें कि जिस इलाके में सुरंग मिली है वो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निकटवर्ती इलाका है, जहां से कई बार पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिशें की जाती रही हैं। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन लॉन्चिंग सेंटर से
पीएसएलवी C-37 ने 9:28 पर अपनी 39वीं उड़ान भरी है। कामयाब रहने पर यह प्रक्षेपण स्पेस तकनीक में मील का पत्थर होगा। ये पहला मौका होगा जब एक साथ 104 उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े जा रहे हैं। इनमें भारत और अमेरिका के अलावा इजराइल, हॉलैंड, यूएई, स्विट्जरलैंड और कजाकिस्तान के छोटे आकार से के सैटेलाइट शामिल है। मिशन के लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने एक्सेल वेरिएंट का इस्तेमाल किया है, जो सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। आपको बता दें कि इस रॉकेट का इस्तेमाल चंद्रयान और मंगलयान जैसी अहम मिशन के लिए किया जा चुका है। प्रक्षेपित किए जाने वाले उपग्रहों में सबसे ज्यादा 96 उपग्रह अमेरिका के हैं। मिशन में भारत के 2 छोटे उपग्रह भी शामिल हैं। प्रक्षेपित किए जाने वाले सभी उपग्रहों का कुल वजन करीब 1338 किलोग्राम है। दोनों भारतीय नैनो सैटेलाइट INS-A और INS-AB को PSLV पर बड़े उपग्रहों का साथ देने के लिए विकसित किया गया था। पांच दिनों तक चलने वाले एरो इंडिया 2017 एयर शो का मंगलवार को बेंगलोर में शुभारंभ हो गया है। इस अवसर पर स्वदेश में विकसित एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम नेत्र को वायुसेना मल शामिल किया गया है। इसके अलावा रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के मॉडल का अनावरण भी किया है। गौरतलब है कि नेत्र के विकास में महिला वैज्ञानिकों की भूमिका रही है। उनकी एक दशक से अधिक की मेहनत रंग लाई है। इस सिस्टम का विकास महिला वैज्ञानिक जे मंजुला के नेतृत्व में DRDO की प्रयोगशाला में किया गया। वायुसेना प्रमुख BS धनोआ ने इसके लिए महिला वैज्ञानिकों की प्रशंसा की। नेत्र दुश्मन के प्रक्षेपास्त्र और विमान को जमीन, समुद्र और आकाश में 200 किलोमीटर के दायरे में खोज निकालने में सक्षम है। इसके अलावा एयर शो के दौरान भारत इनिक्लॉटरिस लिमिटेड निर्मित MBT अर्जुन MK-2 के नए हथियार नियंत्रण प्रणाली का भी अनावरण किया गया। EPF यानी कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर 8.65% ब्याज दर को लेकर वित्त और श्रम मंत्रालय में सहमति बन गई है। ये बात श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने एक बयान में कही है। इस मुद्दे पर दोनों मंत्रालयों के बीच किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं है। संभावना है कि वित्त मंत्रालय इसको लेकर जल्द ही कोई फैसला लेगा। दत्तात्रेय ने बताया कि श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की राय इस बारे में एक जैसी है और EPF डिपॉजिट पर 8.65% ब्याज दर को लेकर दोनों के बीच किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। इस बारे में सरकार काम कर रही है। गौरतलब है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज इस वित्त वर्ष में EPF डिपॉजिट पर 8.65% ब्याज दर को लेकर प्रस्ताव पर मोहर लगा चुका है। मामला अब वित्त मंत्रालय के पास है, जिसकी मोहर के बाद CBT का निर्णय अमल में लाया जा सकेगा। रोहित वेमुला जाति विवाद एक बार फिर गर्माता नजर आ रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार ने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के आत्महत्या करने वाले PhD छात्र रोहित वेमुला का अनुसूचित जाति SC सर्टिफिकेट रद्द करने का फैसला किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने रोहित वेमुला की मां को 2 हफ्ते का समय दिया है, ताकि वो खुद को दलित साबित कर सके। कहा जा रहा है कि रोहित और उनकी मां ने धोखे से SC सर्टिफिकेट बनवाए थे, जबकि वो आर्थिक पिछड़े वर्ग यानी OBC से आते हैं। वहीं रोहित की मां ने ऐसा करने के पीछे मामले को कमजोर करने की साजिश बताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि BJP नेताओं और वाइस चांसलर को बचाने के लिए ये सब किया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले साल 17 जनवरी को रोहित वेमुला ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी थी। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने उन्हें और उनके 5 दोस्तों को लंबित करने का आदेश जारी किया था। पढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यूपी के मुरादाबाद में आज दूसरे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। मतदान को लेकर युवाओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है, वहीं महिलाएं भी अपने अपने मतों का प्रयोग कर रही हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता मिर्जा गालिब ने मुरादाबाद बूथों का जायजा लिया और इस दौरान मतदाताओं से भी बातचीत की। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, और सबसे मेन बात है कि हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि अब कुछ अलग होने जा रहा है। वैसे भी वैसे हो ही रहा है, विकास तो हमारे 18 गुजारा पहले।
संबल के बनियाठेर थाना क्षेत्र के मोहम्मदगंज में एक बार फिर संबल को दहलाने का प्रयास हुआ है। रात के अंधेरे में कुछ दहशतगर्दों ने रेल ट्रैक को अपना निशाना बनाते हुए मुरादाबाद चंदौसी रेलवे ट्रैक को काटकर बड़ी घटना को अंजाम देने का प्रयास किया है। घटना की जानकारी मिलने पर रेलवे के अधिकारियों के साथ साथ पुलिस के भी उच्च अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लेकर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि दूसरी घटना है जब ट्रैक को काटा गया है। इससे पहले बीती 8 फरवरी को भी अलीगढ़ बरेली ट्रैक को भी काटने का प्रयास किया गया था, जिसमें मौके से ट्रैक काटने के औजार भी बरामद हुए थे। ये चंदौसी और मुरादाबाद रेलवे ट्रैक पर मोहम्मदगंज गांव के पास किलोमीटर 41 पर पुलिया नंबर 46 में 32 mm रेलवे ट्रैक काटा गया है और ये गंभीर मामला है। अभी 5-7 दिन पहले 9/8/9 की रात में भी एक हरकत यहीं से 2 किलोमीटर दूर पर हुई है, तो ये गंभीर मामला है। इसको हम लोग चुनौती के रूप में ले रहे हैं और जल्दी इसका पर्दाफाश करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। यूपी के बागपत में राशन की कालाबाजारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताज़ा मामला बागपत के बड़ौत का है, जहां राशन को अनाज गाड़ी में भरकर ले जा रही डीसीएम को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और कोतवाली बड़ौत में बंद करा दिया। साथ ही आपूर्ति विभाग पर राशन डीलर के साथ मिली भगत कर कालाबाजारी करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा भी किया। दरअसल मलकपुर गाँव में ब्रजपाल सिंह की सरकारी सस्ते गले की दुकान है और ग्रामीण गांव के डीलर पर राशन गरीबों को ना बांटकर राशन की कालाबाजारी का आरोप लगाते रहे हैं। इतना ही नहीं, कई बार आला अधिकारियों से ग्रामीण शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने राशन की कालाबाजारी कर ले जा रहे माफिया को पकड़ा। फिलहाल प्रशासन के अधिकारी राशन की जाँच में जुटे हुए हैं और सख्त कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। लोग जीते जी परेशान होते हैं, लेकिन मेवात में मरने के बाद भी लोग परेशान होते हैं। जी हाँ, दरअसल मेवात के ज्यादातर गांवों और शहरों में बने शमशान घाट में इतनी दिक्कतें हैं कि मुर्दों का अंतिम संस्कार करना किसी जंग को जीतने से कम नहीं है। पेश है एक खास रिपोर्ट। शमशान करे परेशान, मौत के बाद भी नहीं सुकून, कैसे मिलेगा मोक्ष? ये तस्वीरें बानगी भर हैं मेवात के उस शमशान घाट की, जो इन दिनों बदहाली के दौर से गुजर रहा है। हिंदू धर्म में लोगों को अंतिम संस्कार के बाद मोक्ष दिलाने वाली ये जगह आज खुद अपने कल्याण के लिए तरस रही है। कहने को तो ये शमशान घाट है, लेकिन यहाँ ना तो शवों के दाह संस्कार ठीक से हो पाते हैं और ना ही यहाँ पहुंचने के लिए कोई रास्ता है। शव का अंतिम संस्कार करने के लिए इस शमशान घाट में कोई भी विद्युत शवदाह गृह भी नहीं है। प्रशासन की लापरवाही का आलम यही नहीं है, इस शमशान घाट में बारिश के दिनों में अंतिम संस्कार करने के लिए कोई शेड तक नहीं है। शहर में बने शमशान घाट के लिए जाने वाले रास्ते बेशक पक्के हों, लेकिन इस शमशान घाट तक जाने के लिए आज भी कोई सही रास्ता नहीं दिया गया है। इस शमशान घाट की बाउंड्री ना होने के कारण इसकी जमीन भी धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही है। शमशान घाट की जगह तो पूरा है, अब जंगल वो खेत वालों ने दाब रखी है जोत जोत के चार तरफ से। इस तरह कहे जी खाली जंगल पड़ा, ना कोई बिजली, ना कोई पानी की सुविधा, ना कोई बाउंड्री, ना कुछ भी ना है, हमें ऐसे ही खाली पड़ी। इस शमशान घाट के कर्मचारी कन्हैया लाल ने भी इसकी बदहाली को बयां किया है। देखो इसमें तो सब कुछ सुविधा है, जो और शमशान है दो, उनमें कोई सुविधा नहीं है। तो किस तरह की सुविधा होनी चाहिए? देखो पानी का साधन भी होना चाहिए, पेड़ पौधे भी होने चाहिए, बाउंड्री भी होनी चाहिए, गेट होना चाहिए जो कि पौधे वौधे लगाएं। तो अब तो ऐसे खुला है ना, पशु तो लगावे भी तो पशु तोड़ जाए उनको। अपने से बिछड़ने का गम झेलने वालों को यह शमशान घाट भी बहुत रुलाता है। बदहाली से जूझ रहे इस शमशान घाट में
अंतिम संस्कार करना अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं है। नेशन लाइव के लिए राज मिश्रा के स्पेशल रिपोर्ट। फिलहाल खबरों पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं बच जाएगा, हम होंगे जल्द हासिल। बदल रहे हैं हम, बदल रहे हैं आप, तो क्यों ना बदले खबरों का मिजाज। खबरों की दुनिया में नेशन लाइव का दमदार आगाज, हिंदुस्तान की बदलती राजनीति से लेकर बदलते दौर की पूरी खबर, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। राजनीति के तीखे सवालों से लेकर आम आदमी के सरोकार से जुड़ी हर खबर, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे से खबरों को आप तक पहुंचाएंगे हम, क्योंकि हम हर पल हैं आपके साथ। आवाज तो सब उठाते हैं, लेकिन समाधान कौन बताएगा? समस्याएं तो सब गिनवाते हैं, लेकिन उनका हल कौन बताएगा? खबर तो सब दिखाते हैं, लेकिन उनकी तह तक कौन जाएगा? आपके इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ रहे हैं हम चल नेशन लाइफ पर, क्योंकि हम हर पल हैं आपके साथ। जब दबने लगे आम आदमी की आवाज, जब ना पहुंचे आपकी आवाज सत्ताधारियों के कानों तक, आपकी समस्याएं जब होने लगे दरकिनार, कानून की अंधी गलियों में जब दम तोड़ने लगे इंसाफ, जब किसी से ना रहे कोई आस, तब हम बनेंगे आपकी आवाज। क्योंकि अब जनता मांगे जवाब, देखिए जनता मांगे जवाब जल्द नेशन लाइव पर। मनुष्य का जीवन कठिन है, उसे जरूरत है दिशा की, अध्यात्म से मिलेगा ज्ञान। देखिए नेशन लाइव पर। किस नेता ने कितना किया काम, किसने किया आराम, कौन उतरा अपने वायदों पर खरा, किसने किया जनता का काम, कौन है कितना पढ़ा लिखा, किसके पास कितनी है संपत्ति, और कौन बना और धनवान, किसका है आपराधिक रिकॉर्ड, ये सब बताएंगे हम। जानने के लिए देखिए बस हमारा खास प्रोग्राम नेताजी का बायोडेटा, जल्द आ रहा है सिर्फ नेशन लाइव पर। पहाड़ों की पीड़ा, मैदान की वेदना, सरकार और राजनीति से जुड़ी उत्तराखंड की हर वो छोटी बड़ी खबर, जिससे हो आपका सरोकार। हर खबर हर पल केवल नेशन लाइव पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे अपनी अगली खबर की ओर। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक 12 साल के बच्चे के संदिग्ध रूप से लापता होने का मामला सामने आया है। सीसीटीवी कैमरे में कैद फुटेज से इस बात का खुलासा हुआ है। जानकारी के अनुसार स्कूल की छुट्टी के बाद बच्चे की माँ उसे घर छोड़कर दूसरी बेटी को स्कूल से लाने के लिए निकली थी। घर का दरवाजा लॉक था लेकिन एक चाबी बच्ची के पास थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब महिला घर लौटी तो बच्ची घर पर नहीं थी। घर के पास में लगे सीसीटीवी फुटेज में बच्ची तेजी से बाहर भागती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस बात का पता नहीं चल पाया है कि बच्ची घर से क्यों और किस वजह से बाहर निकली और फिर अचानक गायब कहां हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो स्कूल से आई थी तो इसको घर पर छोड़ गए थे, तो ताला लगा दिया होगा, चाबी इसको दे दी थी। फिर लेकिन जब आई है 2:51 पर बात भी हुई है, तकरीबन 2:55 पर वो बाप ये 3:00 लौट लौट लौटी है 3:00 करीब, यानी कि 9 मिनट का ये फासला है। और जब सीसीटीवी फुटेज में कैच किया है, देखा है हमने, तो 2:58 पर ये घर से बिल्कुल 50 मीटर की दूरी पर जो सीसीटीवी है उसमें हमने देखा था, तो वो दौड़ती हुई जा रही है। किसी ने उसको कोई खबर झूठी दी है कि या तेरी मम्मी के साथ एक्सीडेंट हो गया या कुछ ऐसा, या कुछ बच्ची है छोटी सी, लैंडलाइन पर फोन आया होगा या लैंडलाइन पर नंबर आया होगा, हमने डिटेल मंगाई है लेकिन अभी तक डिटेल नहीं निकली है, घर पर और कोई फोन नहीं है। खंड 3 में एक लड़की लापता है दोपहर से। घटना ये है कि उसकी माँ ने उसमें घर में छोड़ गई थी बाहर से लॉक करके। लड़की के पास अपनी एक और एक फ्लैट की चाबी थी जिससे उसने दरवाज़ा ओपन किया है, और उसकी अपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है कि लड़की वहाँ बहुत ही तेज़ गति से दौड़ते हुए अपार्टमेंट के बाहर जाते हुए दिखाई दे रही है। उसके बाद से लड़की के बारे में जानकारी हासिल नहीं हुई है। पुलिस के पास जैसे ही जानकारी ये आई, इन्फॉर्मेशन, इसकी FIR अंडर सेक्शन 363 IPC दर्ज की गई है और लड़की को का पता। साइबर सिटी गुरुग्राम के सुशांत लोक इलाके में 10 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या के मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पश्चिम बंगाल के रहने वाले एजाज, जलील और मुख्तार ने स्कॉडा कार में दुष्कर्म की नीयत से मासूम का अपहरण किया और अपनी इस घिनौनी करतूत को छिपाने के लिए मासूम की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपियों में एजाज एक व्यक्ति के यहाँ ड्राइवर की नौकरी करता है, जबकि 2 अन्य आरोपी कबाड़ी का काम करते हैं। आरोपियों ने 10 साल की मासूम को पैसे का लालच देकर अपनी कार में बिठाया और फिर अलग अलग जगहों पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करते रहे। पुलिस को बरामद हुई थी, उस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 एक्यूज्ड को गिरफ्तार किया है। तीनों एक्यूज्ड वहीं आसपास के रहने वाले हैं तथा तीनों एक्यूज्ड में 2 एक गाड़ी का ड्राइवर है, गाड़ी चलाता है, दूसरा ऑटो चालक है तथा तीसरा कबाड़ी का कार्य करता है। इन तीनों से पूछताछ के दौरान इस बात का खुलासा हुआ कि इनने एक स्कोडा गाड़ी का इस्तेमाल करते हुए, जिसपे कि एक इनमें से एक्यूज ड्राइविंग करता है, इस लड़की का अपहरण किया था और अपहरण करने के बाद उसे कई दिन तक बंधक बनाकर रखा गया। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हापुड़ में गढ़ रोड पर निर्माणाधीन पुल की रेलिंग से टकराने से मौत हो गई है। मृतक हापुड़ SOG में तैनात था। मृतक चुनाव में अपनी ड्यूटी को खत्म करने के बाद बाइक पर अपनी बीमार मां को देखने के लिए जा रहा था और रास्ते में रेलवे फाटक के पास हादसे का शिकार हो गया। मुजफ्फरनगर में चुनाव संपन्न होने के बाद एक बार फिर आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी हो गई है। ताजा मामला बुढ़ाना कोतवाली के मदवाड़ा रोड का है, जहां गन्ने के खेत में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मृतक की पहचान फिलहाल अब तक नहीं हो पाई है। अभी ये सब मिला है और इसकी जानकारी की जा रही है, अभी शिनाख्त नहीं हुई है। पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रही है बॉडी और उसकी शिनाख्त के लिए वो सब कार्रवाई की जा रही है। रेवाड़ी में एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। मृतक बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है और रेवाड़ी में ही
ओमैक्स कंपनी में पिछले 14 साल से नौकरी करता था। पड़ोसियों के अनुसार मृतक ने डिप्रेशन में आकर खुदकुशी की है। कंपनी ने 1 फरवरी को बिना ही कोई नोटिस दिए करीब 388 कर्मचारियों को बाहर कर दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जो बंदे एक्सपायर हो गए हैं, ये बंदे यहाँ पर रेगुलर थे 240 में और लगातार 14-15 साल से नौकरी कर रहे थे। ये रेगुलर में थे, इन्होंने घर से आया था जनवरी महीने का 16-17 तारीख को। आने के बाद उन्होंने ड्यूटी करी और ड्यूटी करने के बाद 1 तारीख को पूरी कंपनी का करीब 350 बंदे को एकदम से गेट में उनका गेट रोक दिया गया और उनको ये बुलाया गया कि कंपनी में काम नहीं है और कंपनी इन बंदों को बाहर को कर रही है। लेकिन कंपनी के पास भी काम था और ये बंदे उस समय से थोड़ा सा डिप्रेशन में पड़ गया। ये कर सूचना मिली थी कि भाई एक आदमी ने दारूडा में फांसी खा ली है। जो मौके पर पहुंचा तो परिजनों ने डेड बॉडी को उतार रखा था और उसकी इन्वेस्ट भर रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद जो जैसी सूरत होगी ना कार्रवाई में लाया जाएगी। क्या नाम है मृतक का, कितनी उम्र है? ये अजय पाल नाम है, बिहार का रहने वाला है, उम्र करीब इसकी 36 साल है। सर, कंपनी कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी प्रबंधन की लापरवाही की वजह से आत्महत्या की है। कंपनी की वर्क्स की भी कंप्लेंट ले ली है, उसकी भी जांच की जाएगी। खबरों में बात करेंगे सोनीपत की, जहां पुलिस ने राज्य में 2 दर्जन से अधिक संगीन वारदातों को अंजाम देने वाले एक गिरोह के 7 सदस्यों को धर दबोचा है। पुलिस के अनुसार आरोपी कई राज्यों की पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए थे। पुलिस ने सभी को बोहला गांव से गिरफ्तार किया है। पुलिस को आरोपियों के पास से भारी मात्रा में असलहे भी बरामद हुए हैं। ये अंतर्राज्यीय कुख्यात गुरु का सरगना अपने साथियों के साथ और ये जींद पुलिस का मोस्ट वांटेड भी है संदीप मोठ, इनको गिरफ्तार किया गया हथियारों समेत। और बोला गांव के अंदर हमें सूचना मिली थी पुलिस को, तो CIA और SIT की टीमें बनाकर वहां रेड की गई। इन्होंने पुलिस पे भी फायर करा और इनको गिरफ्तार किया गया। और काफ़ी वारदातों का जींद की, दिल्ली की, पानीपत, सोनीपत की काफ़ी वारदातों का खुलासा हुआ। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन लाइव। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।